सिंधु बॉर्डर पर जमकर हंगामा हो रहा है। किसान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और वहां पर पुलिस का भारी जमावड़ा है सिंधु बॉर्डर पर। तस्वीरें आइए आपको दिखाते हैं, हमारे संवाददाता राहुल डबास भी इस वक्त सिंधु बॉर्डर पर मौजूद है और तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखाएंगे कि किस तरह से सिंधु बॉर्डर पर हंगामा हुआ है। सिंधु बॉर्डर की तस्वीरें आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन आपको बता दें किसान लगातार जमा है, जो कि कल ही आपको बता दें शंभू बॉर्डर से आगे गुजरते हुए अंबाला पहुंचे, अंबाला से करनाल, करनाल से पानीपत और पानीपत में भी हंगामा हुआ और पानीपत के बाद अब आगे बढ़ते हुए सिंधु बॉर्डर पर किसान पहुंच गए। राहुल डबास जुड़े हुए, राहुल क्या चल रहा है इस वक्त? किस तरह की स्थिति है फिलहाल, तकरीबन 20 राउंड आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, तकरीबन बिल्कुल वही जहां बैरिकेडिंग है वहां पहुंच गए। यहाँ पर हरियाणा की तरफ पैरामिलिट्री फोर्सेज है और दिल्ली की तरफ से सड़क के उस पार की बात करें तो वहाँ पर आरएएफ मौजूद है। आप हाई एंगल से देखिए किस तरह की स्थिति है और अब दिल्ली पुलिस पैरामिलिट्री फोर्सेज आगे निकल गई है, बिल्कुल निकल गई है, पैरामिलिट्री फोर्सेज आ रहे हैं, आगे निकल गई और कोशिश है कि खदेड़ा जाए। और सबसे आगे जो पंक्ति में है वो लोग है जो टीयर गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं, एसी गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं। तकरीबन 20 राउंड है एसी गैस की गोले छोड़े गए, लेकिन जो हवा है वो दूसरी तरफ है, यानी कुछ ही देर के बाद वो सिपाहियों के ऊपर आ रहे। दोबारा देखिए मैं तस्वीरों में दोबारा चाहिए, लगातार गोलों का इस्तेमाल किया जा रहा है और ये जो तस्वीर असली मैक्सिमम हो जाते हैं कि ठीक पीछे जो किसानों का जत्था है वो कई हजार का है, बहुत बड़ी संख्या में किसान है। और देखिए कि किस तरीके से आवाज आ रही है, कोशिश ये है कि जो बफर जोन है वो बनाया जाए। हालांकि किसान अभी हरियाणा में है और जो दिल्ली पुलिस से आ रही है वो दिल्ली में है और तकरीबन 100 मीटर का डिस्टेंस हो गया। अभी जो डिस्टेंस था वो बिल्कुल खत्म हो गया था, किसान आगे तक आ गए थे, लेकिन खास बात यह थी जब भी आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं तो हवा का रुख दूसरी तरफ होता है और वो सीधा आ जाता है हमारे सिपाहियों के ऊपर, पुलिस वालों के ऊपर, पैरामिलिट्री फोर्सेज के ऊपर। देखिए किस तरीके से आंसू गैस से खोलने छोड़ने के बाद वापिस आया, तस्वीरों में देखिए कि क्या हालत हो रही है जो नीचे मौजूद सिपाही है उनकी, क्योंकि आंसू जो हवा का रुख है वो इस तरफ है। यही वजह है कि बहुत ज्यादा आंसू गैस के गोले नहीं छोड़ रहे, जिस तरीके से हमने अंबाला बॉर्डर में देखा था वैसी स्थिति कम से कम यहाँ पर नहीं बन रही है। और यहाँ पर आप देखिए कि ये स्थिति बेहद चिंताजनक हो रही है, क्योंकि अगर किसानों की बात करें तो किसान बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचना चाहते हैं, सोनीपत से पानीपत से बड़ी संख्या में पहुंच चुके और यहाँ की अगर बात करें तो आंसू गैस के गोले छोड़ ही वापस आना पड़ता है जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है जो आ रहे थे उन्हें, और उन्हें वापस इसलिए आना पड़ रहा है और इसलिए आंसू गैस के गोले नहीं छोड़े जा रहे। सीधे तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से किसान पीछे चले जाते हैं। अब जो डिस्टेंस है वो 250 मीटर का हो चुका है, लेकिन उसके बाद दोबारा आते हैं आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं, लेकिन उसका 5 मिनट में असर ही पैरामिलिट्री दूसरी तरफ दिखाइए कि किस तरह की स्थिति है। यहाँ पर बालू के जो डंपर है वो रखे गए हैं, न्यूज देखिए देखिए कि बालू के डंपर इसलिए रखे गए हैं कि जैसे हमने आगे देखा था पानीपत से देखा था अंबाला में देखा था कि किस तरीके से रास्ता बना लेते हैं ट्रैक्टर ट्रॉलिया, वो ना बना पाए इसलिए बालू के डंपर रखे गए हैं। सीमेंटेड बैरिकेडिंग की गई है, आरएएफ है, पैरामिलिट्री है, जो पहला जो संघर्ष होगा वो पैरामिलिट्री और आरएएफ के साथ ही होगा और उसके पीछे कई हजार दिल्ली पुलिस के जवान है और साफ निर्देश है कि दिल्ली की सीमा में प्रवेश नहीं होना चाहिए। अगर अधिकारियों की बात करें तो अधिकारी यहाँ पर जो मौजूद है वो सोनीपत प्रशासन है, क्योंकि अभी भी किसान तकरीबन 250 मीटर की दूरी पर है दिल्ली की सीमा पर, जो आपको बैरिकेडिंग नजर आ रही है जी। उस बैरिकेडिंग में आपको हरियाणा पुलिस साफ तौर पर नजर आ रही है, जैसे ही इंडिया बॉर्डर क्रॉस होगा वैसे ही जो प्रशासन का कंट्रोल है, जो कार्रवाई का कंट्रोल है वो दिल्ली पुलिस के पास आ जाएगा, लेकिन जो बीच में है दिल्ली और हरियाणा के बीच में वो केंद्रीय सुरक्षा बल है, कि आरएएफ की बात हो या रैपिड एक्शन फोर्स की बात हो या फिर अर्धसैनिक बलों की बात हो जी। ठीक है ठीक है राहुल, यहाँ पर बहुत ही चिंताजनक हालात बने हुए हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और सिर्फ जो दूरी है दिल्ली में एंटर करने की वो राहुल डबास बता रहे हैं 250 मीटर की दूरी बची है। टिकरी बॉर्डर पर चलते हैं, आमिर हुसैन हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं। आमिर आप भी कुछ बताना चाह रहे हैं?
बिल्कुल, और मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से अब स्ट्रैटेजी के तौर पर किसानों को खदेड़ने की तैयारी है। अब यहां पे देखेंगे आप, यहां पर तमाम के जो जो सुरक्षा बल है, जो दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं, वो यहां पर अब पूरी एक शील्ड की तरीके से आगे बढ़ेंगे। यहां पर भारी पुलिस बल और भारी पैरामिलिट्री फोर्सेज जो हैं वो यहां पर पहुंच चुकी हैं, और दूसरी तरफ आपको दिखाएंगे, दूसरी तरफ बिल्कुल दिल्ली के करीब आ चुके हैं, इवन दिल्ली में एंटर कर चुके हैं किसान, वो आपको तस्वीरों दिख रहे हैं। बिल्कुल देखिए कितने भारी पुलिस बल जो है यहां पर तैनात है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, अब ये इनको शील्ड की तरह रोक चुके हैं। और वहां पे आप देखिए, वहां पे जो किसान है वो रुकने का, वो आगे बढ़ने के लिए लगातार कोशिशें कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम यहां से हटेंगे नहीं, और यहां से अब खदेड़ने की स्ट्रेटजी जो है वो तैयार की जा रही है। भारी पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया है ताकि इनको यहां पर किसी भी तरीके से, किसी भी कीमत पर रोका जा सके और इनको पीछे खदेड़ा जा सके। तो अब स्ट्रैटेजी के तौर पे काम कर रही है दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं, और किसी भी हालत में इनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। जो भी आपत्तिजनक लोग हैं यहाँ पे, जो आए हुए हैं, जो भीड़ में मिक्स हो गए हैं, उनको डिटेन किया जा रहा है, उनको देखा जा रहा है, चेक किया जा रहा है कि किसके हाथ में पत्थर है, किसके हाथ में लाठी है, उसको जो है पकड़ा जा रहा है, उसको डिटेन करके यहाँ से हटाया जा रहा है, दिल्ली पुलिस उनको लेकर यहाँ से जा रही है। तो कुल मिलाकर के इस तरह की स्थिति यहाँ पे टिकरी पे है, हालात बहुत ही नाजुक है। आसपास के पेट्रोल पंप से लेकर के दुकानें हैं सब बंद हो चुके हैं, लोग अब अपने घरों से, यहाँ पे आप देखेंगे अपने घरों से लोग देख रहे हैं कि कोई हालात बिगड़ने वाले तो नहीं है, कि पहले आपने देखा होगा कि काफी ज्यादा हालात बिगड़ गए थे, लाठी डंडे और पत्थर खूब चले थे जिसकी वजह से लोग घायल हो गए थे, लेकिन इसी वजह से लोग आसपास के जो है डरे हुए हैं, ऊपर से देख रहे हैं कि किस तरह की सिचुएशन है, कहीं खराब सिचुएशन तो नहीं होने वाली। तो कुल मिलाकर के ये स्थिति जो है टिकरी पर बनी हुई है। बातचीत किसान नेताओं से लगातार अपील की जा रही है कि आप जो है उग्र मत होइए, आप जो है यहाँ से वापस जाइए, जो भी बात करनी है आप करिए, लेकिन इस तरह से उग्रता से बातचीत मत कीजिए। तो कुल मिलाकर के इस तरह की सिचुएशन है, और कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम यहाँ पर न्यूज़ नेशन लगातार आपको खबरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से किसान जो है उसमें भीड़ तत्व जो है, जो एक मॉब जो लगातार उग्र होती गई, किस तरह से उसने पत्थर चलाए, किस तरह से लाठियां भांजी, किस तरह से बैरिकेड को तोड़ा गया। तो ये सिचुएशन टिकरी पे बनी हुई है। जी जी बिल्कुल, तस्वीरें आप दिखा रहे हैं टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, और ये वो दो ऐसे बॉर्डर हैं जहां पर हालत बहुत नाजुक बने हुए हैं। और इस बड़ी खबर पर न्यूज नेशन लगातार बना हुआ है, पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। इन्हीं तस्वीरों के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन आज दूसरे दिन भी जारी है, और सुबह से ही लगातार न्यूज नेशन आपको तस्वीरें दिखा रहा है सिंधु बॉर्डर से, टिकरी बॉर्डर से, जहां पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। टिकरी बॉर्डर से तस्वीरें आपने देखी, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठियां भांजी गई, और साथ ही साथ आपको बता दें कि किसान और जो पुलिस थी वो आमने सामने थी, पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया है। सिंधु बॉर्डर पर भी अब से कुछ ही देर पहले आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, और जो दूरी रह गई है दिल्ली के बॉर्डर तक की, जो दूरी है वो 250 मीटर की है। राहुल डबा सिंधु बॉर्डर पर मौजूद है, और पल पल की जानकारी आमिर हुसैन हमें दे रहे हैं, सैयद आमिर हुसैन, ये हमें टिकरी बॉर्डर पर सैयद इस वक्त मौजूद है। राहुल, आपके पास आना चाहूंगी, क्या स्थिति इस वक्त है, क्योंकि किसानों को लगातार कहा जा रहा है कि आप आगे बढ़ नहीं सकते, और किसान जिद पर अड़े हैं कि आगे बढ़कर ही रहना है। इंतजार कर रहे किसानों को इस बात का इंतजार है कि जैसे उनके और साथी पानीपत सोनीपत से पहुंचेंगे वो दिल्ली की सीमा में घुस जाएंगे। सीधा तस्वीर में देखिए, जो किसान और दिल्ली के बॉर्डर के बीच में है वो केंद्रीय सुरक्षा बल है, चाहे वो अर्धसैनिक बलों की बात करें, आरएएफ की बात करें, तमाम टुकड़ियां यहां पे मौजूद है। छोटा बैरिकेड किया गया है, सबसे आगे पंक्ति में आंसू गैस छूने वाले लोग हैं, और उसके पीछे लाठी चार्ज करने वाले, यानी कोशिश इस बात की है कि यहां से और किसानों के बीच की दूरी जो 200 मीटर है वो इसी तरीके से बरकरार रहे। जैसे किसान आगे आते हैं आंसू गैस के गोले छोड़ जाते हैं, किसान थोड़ी सी पीछे हो जाते हैं, लेकिन जो असली मौजूदगी है, जो पुलिस के, दिल्ली पुलिस की मौजूदगी है, मैं चाहूंगा कि मेरे वीडियो जल्दी दिखाने की कोशिश करें, जरा हम थोड़ा सा घुमाइए, और जो असली पुलिस की मौजूदगी है वो दिल्ली की तरफ है। ये जो है तस्वीरों में, ये दिल्ली बॉर्डर है, ये बिल्कुल राजधानी दिल्ली है। यहाँ पे साफ लिखा हुआ कि कोई भी अंदर नहीं आ सकता, और अंदर हजारों की संख्या में दिल्ली का पुलिस बल है,
वाटर कैनन की बात करें, टीयर गैस की बात करें, बोल्डर्स की बात करें, जो यहाँ पर डंपर्स हैं उनकी बात करें, और बैरिकेटिंग भी सीमेंटेड की गई है, तो जहाँ तक आपकी नज़र जाती है वहाँ तक एम्बुलेंस भी तैयार है अगर कोई हताहत होता है तो पूरी जो तैयारी है वो दिल्ली की सीमा में है। लेकिन कोशिश ये है कि दिल्ली की सीमा और किसानों के बीच का डिस्टेंस बिल्कुल राहुल ने देखा, कई लेयर की सुरक्षा यहाँ पर बनाई गई है, पहले पैरामिलिट्री फोर्सेस खड़ी हुई है और उसके बाद जाकर के बड़े बड़े पत्थर रखे गए हैं, उसके बाद बैरिकेड्स है, फिर दिल्ली पुलिस खड़ी है। सैयद आमिर हुसैन के पास चलते हैं। सैयद, अब यहाँ पर पुलिस की स्ट्रेटेजी क्या है किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए? देखिए, कई लेयर की स्ट्रेटजी है, कई लेयर की रोक है। पैरामिलिट्री फोर्सेस, दिल्ली पुलिस के जवान जो है यहाँ पर डटे हुए हैं, स्ट्रेटजी बना रहे हैं, और तमाम अधिकारी भी आप यहाँ पे देख रहे हैं पहुँच गए हैं, और ये अधिकारी लगातार गाइड कर रहे हैं किस तरह से आपको यहाँ पे डटे रहना है। यहाँ पे आप देखेंगे RAF के जवान जो हैं, जो CRPF के जवान हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं बड़ी संख्या में। देखिए, बड़ी संख्या में पुलिस बल जो है और सुरक्षा बल जो है और पैरामिलिट्री फोर्सेज जो है वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। दूसरी तरफ आपको तस्वीर दिखाते हैं कि किसी भी तरीके से किसान मानने को राजी नहीं है। लगभग आधे घंटे पौन घंटे तक हो चुका है यहां पर लगातार डायलॉग्स चल रहे हैं, पुलिस अधिकारियों के साथ लगातार बातचीत चल रही है, लेकिन वो पीछे को हटने को तैयार नहीं है। पीछे तक देखिए, लगातार लाइन देखिए आप, ये किसान है जो वहां से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे यहां पर जमावड़ा बढ़ता जा रहा है, लेकिन भारी पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया है इसलिए ताकि इनको किसी भी तरीके से रोका जा सके, स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है, और जितने ज्यादा यहां पर किसान है उससे ज्यादा पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया है ताकि किसी भी हालत में इनको आगे बढ़ने ना दिया जाए। लेकिन आप देखिए, वहां पर बैरिकेड की जो 5 लेयर बैरिकेड लगाए गए थे उसको तोड़ करके वो आगे बढ़ चुके हैं और इस जगह पे आ चुके हैं, तो इस जगह से कुछ ही मीटर का रास्ता रह जाता है बस। ठीक है, स्ट्रेटजी दोनों तरफ से बन रही है, किसानों की रणनीति बन रही है आगे कैसे बढ़ा जाए, और पुलिस ये रणनीति बना रही है, पैरामिलिट्री फोर्सेज ये रणनीति बना रही है कि कैसे रोका। बहुत शुक्रिया सैयद आमिर हुसैन आपका, और राहुल डबास आपका सिंधु बॉर्डर से बहुत शुक्रिया आपके पास अपडेट के लिए, हम आते रहेंगे। ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, 10 तस्वीरों के साथ ही एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।